सो हेलो व्यूअर, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ऐसा 3D ल्यूमिनेशन में अपने नेम का इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा नाम लिखा आ चुका है और टाइटेनियम का कुछ लुक दे रखा है यहाँ पे। तो ऐसा इमेज लग आप लोग भी अपने के लिए बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। देन प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में चले जाना है। देन सर्च बार में जाने के बाद सिंपली आपको बिंग एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च कर देना है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे बिंग एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद सिंपली हमने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा तो डायरेक्टली हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। देन ओपन करने के बाद सिंपली तुम्हारे पास ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने पहले अकाउंट क्रिएट करके रखा था। तो डायरेक्टली हम ऐप्स वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा। ओके, जे ऐप्स वाले ऑप्शन पर चले जाने पर सिंपली आपको कई सारे ऐसे टूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इमेज क्रिएटर वाले टूल्स पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये टूल्स आपको जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे तब भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो इमेज क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देन इमेज क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे ऐसा इमेज आपको नीचे क्रिएट होके आ जाएगा 3D ल्यूमिनेशन में। ओके, तो हमारे पास जो भी प्रॉम्प्ट है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी प्रॉम्प्ट थी यहाँ पे उन्हें पेस्ट कर दिए। इस वाले प्रॉम्प्ट को आपको यूज़ करना है तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में तो प्रॉम्प्ट को कैसे पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करें यहाँ पे, तो सिंपली लास्ट में आपको तरीका सिखा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आपको जो भी नाम है यहाँ पे अभी लिखा है यहाँ पे कट करके आपको रख देना। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी को कट कर देता हूँ ना, हमारा सुनील डाल देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं यहाँ से, एंड हमारा जो भी नाम है वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। आपका नाम टाइप कर सकते हो, कैपिटल में भी कर सकते हो, स्मॉल में भी कर सकते हो। तो हमने सुनील लिख दिया है यहाँ पे, एंड देन क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देन क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको थोड़ी बहुत वेट कर लेनी है। जब तक हमारी इमेज क्रिएट हो ले तब तक लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद सिंपली तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास चार इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही 3D लुक में देखने के लिए मिल गई है। तो पहली वाले इमेज पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो तुम्हारे पास एक उसे ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा साइड में कोने में, तो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली गैलरी में सेव हो जाएगा, नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आसानी से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको कई सारे ऐसे इमेजेस क्रिएट होकर मिल चुके हैं। अगर आपको इन चारों में से कोई भी पसंद नहीं आया तो आपको दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, इससे भी बढ़िया स्टाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक बार नाम चेंज करके देखने वाले हैं, तो सुनील को मिटा के दिनेश लिख देते। ओके, तो हमने यहाँ पे सुनील को कट कर दे रहे हैं, दिनेश को डाल दे रहे। ओके, यानी कि दिनेश नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपका जो भी नेम वो डाल सकते हो, या लड़की हो या बॉय हो या किसी का भी नाम डाल सकते हो। ओके, तो हमने दिनेश डाल दिया है। देन सेम प्रोसेस, थोड़ी बहुत वेट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हो 3D लुक में हमारे पास कुछ कई सारे ऐसे इमेज देखने के लिए मिल चुके हैं। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में तक प्रॉम्प्ट कॉपी करना नहीं आता है तो सिंपली आपको डायरेक्टली YouTube पर चले जाना है। YouTube को ओपन करने पर सिंपली हमारा जो भी YouTube चैनल का नेम है वो उसको सर्च कर देते हैं। हमारा नाम का सर्च कर देना, देन हमारे चैनल को ओपन करके किसी भी वीडियो को हम यहाँ पे प्ले कर देते हैं। इस वाले वीडियो को हम प्ले करते हैं, देन इस वाला जो वीडियो का जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको शेयर वाला ऑप्शन पर चले जाना है, देन शेयर कर देना है क्रोम पर। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली शेयर कर देना है क्रोम ब्राउज़र पर, या फिर आप लोग लिंक भी कॉपी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेते हैं। अगर आप लोग लिंक कॉपी नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। देन लिंक कॉपी करने के बाद सिंपली आपको क्रोम पर चले जाने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सर्च बारे में चले जाने के पेस्ट कर देना लिंक को। ओके, देन लिंक को पेस्ट करने के बाद सिंपली तुम्हारा जो भी वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
देन ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको एम आर ओ पर क्लिक कर देना, यानी कि मेरो पर क्लिक करना है। ओके, देन मेरो पर क्लिक करने के बाद सिंपली तुम्हारा जो भी डिस्क्रिप्शन में ओपन हो जाएगा। ओके, देन डिस्क्रिप्शन ओपन होने के बाद सिंपली तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया था उसको पकड़ के रखना है। डायरेक्टली ऐसे करके कॉपी कर सकते हो, तो ऐसे करके कॉपी कर सकते हो और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, देन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।